काफ़ी शानदार बनाया गया है। आप देखिए पूरी तरह से एकदम डिजाइन वगैरह, और इधर पूरा जो है ग्लास वगैरह लगा हुआ है चश्मा का, एक पूरी तरह से इसको मॉडर्न टाइप का बनवाया है। इसमें हर तरह की हाई टेक्नोलॉजी वाला मशीन मंगाया गया है। यहाँ के लोगों को पैसा खर्चा करके यहाँ से नेपाल, सिलीगुड़ी या कटिहार जाने के लिए जो भाड़ा लगता है, लोगों को जाने आने की जो खर्चा होता है, वो खर्चे से लोग यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। एयर कंडीशन हॉस्पिटल बनाया गया है, तकलीफ पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। जितने भी कम से कम रेंज में उसका आँखों का ऑपरेशन किया जाएगा। और हमारे क्षेत्र के लिए आज खुशी का माहौल है जो इस तरह का एक हॉस्पिटल आज यहाँ खोला। ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि ऐसा हॉस्पिटल बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ये जो है मतलब कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट अंदर बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल माना जाएगा। और ग्रामीण इलाके के लोगों को देखते हुए इस प्रकार का हॉस्पिटल वाकई में एक आश्चर्यचकित है। नमस्कार, साइलेंट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आजाद आलम। अभी हम मौजूद हैं बारसोई में, बारसोई नीमतला चौक, जो कि आबादपुर वाला रास्ता है। यहां पे जो है एक आज जो है अतिक आई केयर सेंटर का एक उद्घाटन किया है, जो कि बहुत बेहतरीन, अब हम जाके जो देखें बहुत बेहतरीन और शानदार हमको लगता है कि बारसोई क्षेत्र में इस तरह का आँख का जो है क्लिनिक इस तरह से अब आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से ओपनिंग किया है, और हम आपको जो है पूरा अंदर का नज़ारा दिखाएंगे और किस तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये है सबसे पहला जो है इंटरफेस, यहाँ जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा ये काउंटर है, और ये सारा पूरा अंदर का एकदम ग्राउंड है। आप देखिए कि किस तरह से जो है डिजाइन किया गया, बनाया गया। हमको लग रहा है कि हम इस बारसोई जैसा क्षेत्र में इस तरह का हॉस्पिटल जो है पहली बार हम देख रहे हैं, और शायद आप आइएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, बारसोई जैसा छोटे क्षेत्र में और छोटे शहरों में जो है इस तरह का हॉस्पिटल हो सकता है, आपको जो है विश्वास नहीं होगा। देखिए काफ़ी शानदार बनाया गया है। आप देखिए पूरी तरह से एकदम डिजाइन वगैरह, और इधर पूरा जो है ग्लास वगैरह लगा हुआ है चश्मा का, एक काउंटर है, और जो है डॉक्टर वगैरह यहाँ पे है, और रिसेप्शन भी आगे बना हुआ है। तो हम उन लोगों से भी बात करेंगे और चलते हैं, देखते हैं, पूरी विजुअल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पब्लिक आया हुआ है, लोग आप जैसा देख रहे हैं ये। उसके बाद यहाँ इसके अंदर जाइएगा तो यहाँ पे जो है डॉक्टर अंदर बैठेंगे, और ये उसका जो है रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ मैनेजर बैठते हैं, और यहाँ जो है पब्लिक के लिए जो भी पेशेंट लेके आएंगे, जो भी पेशेंट रहेंगे यहाँ, उनके लिए जो है व्यवस्था किया गया है बैठने के लिए। इधर टीवी वगैरह सारी व्यवस्था की है, लगाया गया है, और ये पूरा रिसेप्शन काउंटर आप देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। और एक बारसोई जैसा क्षेत्र में आपको इस तरह से जो है देखने को हमको लगता है कि शायद नहीं मिलेगा, कि इस तरह से एकदम मल्टी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल, और आँख के लिए विशेषकर, बाकी सारे अन्य कई सारे हॉस्पिटल देखे होंगे, लेकिन इस तरह से आँख का एक जो है हॉस्पिटल आप जो है नहीं देखे होंगे हमको लगता है बारसोई जैसा छोटे क्षेत्र में। तो इस तरह बहुत बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे, और यहाँ पे काउंटर पे रिसेप्शन पे है मैनेजर साहब, है उनसे बात करेंगे। क्या नाम हो गया मैनेजर साहब का? जी मैं तो मैनेजर नहीं हूँ जी, अब क्या है? मैं अकाउंटेंट हूँ, अतिक आई केयर सेंटर में। जी आज उद्घाटन किया गया जो है अतिक आई केयर सेंटर का, तो मतलब किस मॉडल पे बनाया गया है ये? जी ये जो अतिक आई केयर सेंटर है जो है, ठीक है, ये बहुत ही पूरे बारसोई क्षेत्र में आधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है। उसमें हर सुविधा पेशेंट को दिया जाएगा, ठीक है। उनको ये पूरा एयर कंडीशन हॉस्पिटल बनाया गया है, तकलीफ पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। जितने भी कम से कम रेंज में उसका आँखों का ऑपरेशन किया जाएगा। तो यहाँ अभी आप लोग जो है आज उद्घाटन किए इस हॉस्पिटल का, तो आप लोगों के पास अभी कितना स्टाफ, कितना डॉक्टर है, क्या है, कुछ डिटेल्स में? जी डॉक्टर तो हैं एक हमारे डॉक्टर कुर्बान अली सर, जो बाहर से सर्जन आते हैं, दो सर्जन आते हैं, ठीक है, एक नेपाल से आते हैं और एक कोलकाता से आते हैं, ठीक है। दोनों आई के सर्जन डॉक्टर हैं, ठीक है। और हम लोग स्टाफ 8 स्टाफ हैं, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे यहाँ पे लोगों को? माशाल्लाह यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। पेशेंट को सोने से लेकर बैठने तक का हर चीज़ का यहाँ पर अवेलेबल किया गया है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं? जी इंशाल्लाह ऑपरेशन भी होते हैं, ठीक है। हर सप्ताह एक में होता है, हर संडे को ऑपरेशन होते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका साइलेंट इंडिया में स्वागत है। स्वागत आप लोगों का भी मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप सभी मीडिया का, उन लोगों का, और मेरे जितने भी गेस्ट हैं सारे लोगों का मेरे यहाँ पे स्वागत है। बिल्कुल, आप जो इस तरह से पूरा एकदम मॉडर्न टाइप का ये जो हॉस्पिटल खोले हैं आँख के लिए, और हमको लगता है कि बारसोई जैसा क्षेत्र में बहुत शानदार हॉस्पिटल है। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि हमें लगा कि शहर के तरह का आपने खोला है, तो ये आइडिया कहाँ से आपको आया और कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको इस तरह से करना है? जी सर, सबसे पहले बात तो मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाकर कुछ करने के लिए
मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पैदा लिया, यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, और मैंने सोचा कि मैं इस इलाके लिए कुछ कर सकूँ। इसीलिए मुझे ये आइडिया है कि मैं बाहर पैसा जाऊँ क्यों, यहाँ के लोगों को पैसा खर्चा करके यहाँ से नेपाल, सिलीगुड़ी या कटिहार जाने के लिए जो भाड़ा लगता है लोगों को, जाने आने की जो खर्चा होता है, वो खर्चे से लोग यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। तो मेरा टारगेट रहता है कि लोगों को सेविंग करके कुछ पैसा बचा के मैं अपना उनको सर्विस दे सकूँ। तो जो पैसा उनको भाड़े में खर्चा होता था, उससे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके अपना घर पे जा सकता है, और टाइम फैक्टर रहेगा, लोगों के पास समय की बचत होगी, बहुत तरह की लोगों को सुविधा हो जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पूरी तरह से इसको मॉडर्न टाइप का बनवाया है, इसमें हर तरह के हाई टेक्नोलॉजी वाला मशीन मंगाया गया है। मतलब कि आगे की जो केस है, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है, ये बिल्डिंग पे ऊपर दिया गया है, इसके बाद नए नए मशीन मंगाए। सुविधा रहने वाली है, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे स्टार्ट में मेरे यहाँ पे हर तरह के ओपीडी तो बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ओपीडी के लिए हर तरह के जो इक्विपमेंट्स है, जिसके द्वारा आप लोगों का प्राइमरी आँखों के चेकअप, जो कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग बोला जाता है, आँखों को प्रेशर मापने के लिए मशीनरीज जो होता है वो मंगाया गया है, अंदर के पर्दे को देखने के लिए मशीन है हमारे पास। इसके बाद ऑपरेशन कराने के लिए जो कंप्यूटराइज सर्जरी, फेको सर्जरी, उसके लिए विदेशी जापानीज कंपनीज की मशीन मंगाया गया है, जिसको जिसके द्वारा हमारे यहाँ पे कम माइक्रो सर्जरी किया जाएगा, कंप्यूटर सर्जरी होगा। बाकी रेटिना के लिए हम स्पेशल किए हैं कि हम लोग बाहर कोलकाता से बाहर से रेटिना के डॉक्टर को बुलाते हैं इस आई केयर सेंटर में, और वो डॉक्टर आके हमारे रेटिना के ट्रीटमेंट को, जो बाहर लोगों के लिए बहुत परेशानी होता है रेटिना का ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इसी मंथ से ही हमारे नेक्स्ट रेटिना के डॉक्टर है, 26 तारीख को, नेक्स्ट 27 तारीख को आने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ पे चार डॉक्टर अवेलेबल है, एक रेटिना के ऊपर रेटिना डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, एक फेको के स्पेशलिस्ट है, और हम आँखों के नॉर्मल सारे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रहते हैं। बाकी और भी डॉक्टर लोग आना जाना करते रहते हैं, और बाकी ज़रूरत पे स्पेशलाइज्ड जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग डॉक्टर टीम मिलकर और लोगों को हायर करके यहाँ पे अपना सर्विस देते हैं। ऑपरेशन वगैरह का भी सुविधा रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन का सुविधा है मेरे पास। तो हमारे साथ और लोग हैं, डॉक्टर साहब है क्या है? नहीं, ये हमारे भूतपूर्व प्रमुख अवधेश जी। बिल्कुल, क्या नाम हो गया? अवधेश पाल जी, भूतपूर्व प्रमुख बारसोई जी। क्या कहना चाहते हैं इस तरह का हॉस्पिटल, जब आप बारसोई जैसा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र ही कह लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र, तो इस तरह का हॉस्पिटल आप देखते हैं तो कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, ये तो खुशी की बात है कि जो हमारे देहाती क्षेत्र में इस तरह का यूनिक हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि सारा सुविधा से लैस है, और लोगों को यही सुविधा लेने के लिए सिलीगुड़ी, मालदा, रायगंज और कहीं कहीं जाना पड़ता था, जिससे आदमी का काफ़ी खर्चा, हाँ देश में जाना पड़ रहा, हाँ वो सुविधा हमारे बारसोई क्षेत्र में मिल रहा है, तो इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है, ये तो काबिले तारीफ है। जिला परिषद साहब है आफ्ताब साहब, तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आफ्ताब साहब, ये बताइए कि बारसोई जैसा क्षेत्र में इस तरह का हॉस्पिटल आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं इस तरह का हॉस्पिटल? सबसे पहले अतिक आई केयर के इफ्तिताह के मौके पर यहाँ पर दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं, और ये स्थान परिवर्तन हुआ है, ये पहले बारसोई पीडब्ल्यूडी मैदान के निकट था, अब ये पेट्रोल पंप जो देख रहे हैं, बीडी कॉलेज वाला पेट्रोल पंप, उसी के बगल में ये अतिक आई केयर है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं, जिनको नेपाल जाना पड़ता था और कहीं जाना पड़ता था आँख के इलाज के लिए, वो सारे चीज़ यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं, और हमारे क्षेत्र के लिए आज खुशी का माहौल है जो इस तरह का एक हॉस्पिटल आज यहाँ खोला। हम इनके डायरेक्टर जो डॉक्टर कुर्बान अली साहब हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सभी को मैं मुबारकबाद पेश करना कर चाहता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ जनता की तरफ से, क्योंकि ये क्षेत्र मेरे अंदर जिला परिषद के लिए इतना जो है शानदार हॉस्पिटल बनाया गया है इस क्षेत्र में, हमको लगता है, आपको लगता है कि बारसोई जैसा क्षेत्र में इस तरह का हॉस्पिटल आपने देखा है? ये पहली बार है, मैं आपको बता ही रहा था, ये क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के अंदर आता है, और ये लगभग ये चौंदी पंचायत के अंदर ही आता है। हम डॉक्टर साहब से ये उम्मीद रखेंगे कि जो यतीम गरीब है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि गरीबों का इलाज के बगैर वो मर रहे हैं, चाहे वो आँख का इलाज हो या कोई भी बीमारी का हो, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर यतीम गरीबों के लिए एक अच्छा माहौल बने, और जो डॉक्टर कुर्बान अली साहब का जो एक समाज सेवा का जज्बा है वो सभी जानते हैं, जो गरीबों का अच्छा सहयोग करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं इस तरह का सहयोग वो हमेशा करते रहें, और हम सभी का दुआ है कि उनका ये हॉस्पिटल अच्छा चलेगा और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल, और लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका?
मेरा नाम एमडी महू आलम। कैसा लगा आपको हॉस्पिटल जी? जी यहाँ जो आए आज बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पेशेंट बलरामपुर के अंदर बारसे के अंदर ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि ऐसा हॉस्पिटल बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये जो है मतलब हमको लगा कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट अंदर बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल माना जाएगा। और ये डॉक्टर कुबन अली है बहुत ही मतलब बेहतर से बेहतर इलाज के लिए माने जाते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ से जगह को परिवर्तन किया, पहले PW के मैदान के सामने तो वहाँ हॉस्पिटल था, ये हॉस्पिटल का नाम है अतिक आई केयर। तो अभी जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप के निकट में आए हैं, आप सभी यहाँ पे आइए और बेहतर इलाज का आपको सेवा किया जाएगा। और यहाँ जो डॉक्टर साहब जो हैं गरीबी के लिए भी कुछ मतलब बहुत अच्छा मतलब फैसिलिटी रखे हैं, तो इसलिए मैं सभी इस इलाके के मतलब लोगों से ये करूँगा कि आप लोग यहाँ आए और अच्छा सा बेहतर इलाज के लिए। बिल्कुल, आपका नाम क्या है? मैं हसन रजा, कांग्रेस युवा अध्यक्ष बारसोई। तो बारसोई जैसा क्षेत्र में आपके लिए इस तरह का मतलब हॉस्पिटल कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात हो रही है, और ख़ास करके इनके जज्बे को सलाम देना चाहते हैं, ख़ास करके अतिक आई केयर सेंटर का जो डायरेक्टर है डॉक्टर कुर्बान अली, हम सब का फ्रेंड में भी आते हैं। और एक ग्रामीण इलाके के लोगों को देखते हुए इस प्रकार का हॉस्पिटल वाकई में एक आश्चर्यचकित है। हाँ बिल्कुल, ये बारसोई ग्रामीण ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों को जहाँ नेपाल जाना पड़ता था, दूर दराज जाने पड़ते थे, हैदराबाद जाने पड़ते थे और कहीं, लेकिन डॉक्टर कुर्बान अली के द्वारा जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था दी जाती है, तो मुझे लग रहा है कि वाकई में एक प्रकार का लोगों के लिए योगदान है। गाँव जिला क्षेत्र में एकदम मॉडर्न टाइप का पूरा हॉस्पिटल, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नहीं, एकदम मॉडल टाइप का है, यूनिक लग रहे हैं। और पेशेंट को यहाँ अगर मान ली कि प्रतीक्षा भी करना पड़े, इंतजार भी करना पड़े, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कोई बोरिंग फील होगा। बिल्कुल।